ये देखो फ्लोरिंग ब्लैक और गोल्डन के कॉम्बिनेशन में है, लगाए गए हैं। और ये आपकी फ्लिप की है, कुछ इस तरीके की फ्लिप की है भाई। 123 किलोमीटर एंड्रॉइड की तरफ, एंड्रॉइड का कुछ ऐसा कुछ टच वगैरह है, काफी अच्छा, काफी स्मूथ सारा काम जेन्युइन करते हैं। और जेन्युइन काम कर रहे हैं तो लोग दूर दूर से आ रहे हैं, अपना विश्वास दिखा रहे हैं। बिल्कुल, दिन में 3-4 वैगनार डेली हम कर रहे हैं, उसका कारण यही है कि काम अच्छा कर रहे हैं। यूट्यूब पे मैंने देखा और मैं उसी के उस पे यहाँ से श्री के लिए आया। तो काम वगैरह कैसा लगा? काम बढ़िया है, काम बढ़िया है, सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी कब ली थी आपने? गाड़ी कल ही लेके आया। अच्छा, कल ही? ओके, तो आप फुली सेटिस्फाइड हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काम बढ़िया कर रखा है, काम नो डाउट, मतलब कोई कंप्लेंट वगैरह? ना ना ना, काम सही दिख रहा है, बढ़िया काम। गाड़ी को ऐसा बना के भेज रहे हैं कि सालों साल तक याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो भाइयों, क्या हाल चाल है, स्वागत आपका एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में। और ये देखो, एक तो क्योंकि अच्छी बात है, और आज हम अब हम आ जाते हैं अपनी मेन वीडियो पे भाई। ये है वैगनार जो कि भाई हरियाणा से आई है, टेम्परेरी नंबर है, वो भी देख सकते हो आप, ठीक है। इसमें ही मॉडिफिकेशन काम हो रहा है, डिटेल्ड वीडियो दिखाऊंगा आपको पूरी की पूरी। फ्रंट में अभी आपको बताऊं तो भाई इसमें ना ये देखो जो DRL लगे हैं काफ़ी मस्त लग रहे हैं, कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो पा रहे क्योंकि रोशनी जो काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी आपको दिख रहा होगा। और नीचे आपके फॉग लाइट लगी हैं, ये देख लो मिंडा वाली जो प्रॉपर सनक फिट होती हैं। और जैसे गाड़ी के साइड प्रोफाइल में चलते हैं तो भाई अभी तो देखो कुछ लगा नहीं है, बाकी लगने वाला है। अंदर चलते हैं गाड़ी के, तो यहाँ पे डैम्पिंग का काम तो नहीं हो रहा, खैर इसके अलावा यहाँ पे JBL के स्पीकर लगे हुए भाई, आप देख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे 9D फ्लोरिंग हो चुकी है जो कि गोल्डन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आती है, कुछ ऐसी होती है भाई, देख लो आप। और स्टेयरिंग भी स्ट्रेच हो चुका है प्रॉपरली। और यहाँ पे हो रही है भाई सबसे खास बात, RD की सेंटर लॉकिंग, जो कि भाई हैं अपने RD से, क्या नाम भाई आपका? शालू। शालू भाई हैं RD से जो कि एक वायरिंग कटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हो यहाँ पे? नहीं जी, ये भाई पंच कर रहे हैं। पंच कटिंग तो नहीं करता ना कोई? नहीं, कोई कटिंग। तो डिटेल्ड वीडियो का भाई मकसद यही होता है कि आपको दिखाना कि कैसे क्या कनेक्शन होता है सेंटर लॉकिंग का। और यहाँ पे भाई सीटें वगैरह सारी सारी खुली हुई हैं, सारे के सारे महारथी कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हो भाई तुम? कैमरे की वायरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको बैक साइड में दिखाऊँ तो भाई ये देख लो, यहाँ पे भी JBL के स्पीकर लगे हैं, आई थिंक चारों कोएक्सल स्पीकर लगे हैं गाड़ी के अंदर। और 9D फ्लोरिंग हुई है भाई, देखो कुछ इस तरीके की होती है भाई फ्लोरिंग, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अब गाड़ी के बैक साइड में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे शरीफ भाई भी लगे हुए हैं। शरीफ भाई कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। और यहाँ पे काफ़ी गर्मी में मेहनत कर रहे हो भाई? बिल्कुल सर, कर दें वो तो। और भाई ये है आपके कैमरे की प्लेसमेंट हो रही है, कैमरे की इंस्टॉलेशन की जा रही है, और यहाँ पे शायद CNG ट्रे जो टेबल लगती है वही लगेगी। उसके अलावा रिफ्लेक्टर लगा चुकी है? और रिफ्लेक्टर, क्या बात है, वेरी गुड। तो भाई रिफ्लेक्टर लग चुके हैं, जब ये ऑन हो जाएंगे ना तब इनको रिस्पॉन्स आपको चेकआउट करवाऊंगा। और भाई गाड़ी देखो अभी बिल्कुल ऐसी दिख रही है, खाली खाली खाली, अभी प्रॉपर जब फिनिशिंग आ जाए तब आपको दिखाऊंगा। और सीट कवर की बात हो कर लेते हैं, यहाँ सीटें खुली हुई रखी हैं। तो भाई इसमें ये ऐसे कुछ सीट कवर इंस्टॉलेशन की गई है, प्रॉपर बकेट फिटिंग है, फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हो, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स है। ऊपर भाई पीछे सिलेरियो खड़ी है, उसकी आपको सेपरेट वीडियो में बना के दूंगा। और ये देखो भाई सीट कवर्स कुछ ऐसे हैं, डिज़ाइन वगैरह आप अपने पसंद से अपने चॉइस से चूज़ कर सकते हो। पूछते हैं कि इस गाड़ी में एंड्रॉयड वगैरह में क्या क्या काम कर रहे हैं और कितना क्या बजट आता है। ये दिखा रहा हूँ भाई आपको वायरिंग किस तरीके से फिट एंड फिनिशिंग की गई है। कुछ लोग खुली छोड़ देते हैं यहाँ पे और बहुत अंदर है मैश हो जाता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे। और इस तरीके से फिटमेंट की गई है कि भाई कोई अगर दूसरा कभी प्रॉब्लम आती है तो इजीली इसको देखा जा सके ना भाई, यही कारण है ना। ये तो बेसिकली क्या होता है, नीचे अंदर जाके ना खड़खड़ खड़खड़ ये बजते हैं सारे। हाँ, और फिर अच्छा भी लगता है, मतलब एक क्वालिटी, मतलब पैसे भी खर्च कर रहे हैं उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही ना मिले तो वो गलत बात होती है। तो और भाई इसमें लग रहा है जो एंड्रॉयड लग रहा है ना वो आपको दिखाते हैं, वो है निपोन का एंड्रॉयड 9 प्रो, और इसमें फ्लिप की बन चुकी है, कुछ इससे की फ्लिप की है भाई। और आपके लिए ना एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ मैं, जब भी आप अपनी गाड़ी में फ्लिप की बनवाएं ना यहाँ पे शॉप पे आएँ तो एक तो आपको नई वाली की मिलेगी, बाकी अपनी गाड़ी दोनों की साथ में लेके आएँ, क्योंकि इनकी ना कोडिंग वगैरह कुछ होती है तो मैचिंग करने के लिए तीनों चाबी आपकी अवेलेबल होनी ज़रूरी है। भाई इस वैगनार मॉडिफिकेशन का जो काम चल रहा है, मैं आ गया हूँ शॉप पे। और ये बताओ ये अपनी जो वैगनार आई है इसमें क्या क्या काम कर रहे हो आप? इसमें बेस टू टॉप काम हो रहा है सारा। ओके, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो छूट गई है। मैं कुछ बताना चाहोगे क्या क्या लगा रहे हो? जैसे कि आप मान के चलो इसका एक्सटीरियर इंटीरियर सारा ही काम हो रहा है। ओके, और जैसे कि आपकी प्रॉपर साइड बीडिंग हो गई, और सब टॉप मोस्ट जो एक नई ग्रिल लगा रहे हैं GT-Line वाली। ओके, ग्रिल लगाई जा रही है इस वैगनार के अंदर। और एक्सटीरियर में जैसे कि लोअर गार्निश हुई, डोर क्रोम हुए, सीट का अंदर बताओ सीट कवर वगैरह। इंटीरियर में जैसे कि सीट कवर हुआ इसका,
और एंड्रॉइड लगाया निपोन 9 प्रो, स्पीकर JBL के हैं चारों, ओके, और अपने CNG ट्रे एवरग्रीन। चलो ठीक है भाई, अब गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो जाए फिर ओवरव्यू देंगे, डिटेल में बताएंगे गाड़ी में क्या क्या काम किया। तो एक बार गाड़ी का काम कंप्लीट हो जाए फिर एक बार दिखाते हैं सारी गाड़ी क्या क्या काम हुआ है ना, एक बार डिटेल में आपको दिखा भी देते हैं। ओके भाई, आज अपनी देसी लुक है और सारी की सारी वैगनर का काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ ऐसी लुक आ रही है। पहले आप सिनेमेटिक शॉट्स को एंजॉय करो, उसके बाद डिटेल में बताते हैं कि गाड़ी में क्या क्या काम किया गया है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. तो सिनेमेटिक शॉर्ट्स आप सभी को कैसे लगे मुझे जरूर बताना, और मेरे साथ है सौरभ, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। सौरभ भाई डिटेल में बताओ क्या क्या काम किया गया गाड़ी के अंदर, फ्रंट से जाएंगे फिर साइड प्रोफाइल में जाएंगे फिर बैक साइड में फिर इंटीरियर में जाएंगे। स्टार्ट करते हैं ना इसकी जी टी लाइन की जो ग्रिल लगाई है हमने। तो भाई जी टी लाइन ग्रिल कुछ इस तरीके की होती है, और साथ में आपके DRL लगाए गए हैं, प्रॉपर ओडी DRL जो बोलते हैं, ब्लैक ब्यूटी लगी है इसका, तो अलग ही लुक है भाई, लुक को अनाउंस कर दिया। ओके, बम्पर प्रोटेक्टर वगैरह नॉर्मल चीज़ें हैं, तो ये क्लाइडिंग साइड ग्लाइडिंग, और उसके बाद ये भाई देखो साइड क्लाइडिंग जो बोलते हैं ब्रेजा वाली, वो इस तरीके की कुछ होती है जिससे आपका फेंडर वगैरह जो बम्पर है सेफ रहता है। और ये आपके भाई एवरग्रीन डायमंड कट व्हील कैप है। आगे चलते हैं भाई, तो गाड़ी में ये देखो वैगनार की साइड बीडिंग होगी क्रोम, ये तो बेसिक चीज़ें तो लगती हैं यार, जैसे कि आपका रूफ रील वगैरह होगी वैगनार लिखी हुई, काफ़ी अंबार हम दिखा चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे, शॉर्ट में नहीं हटाएंगे, ये पूरा क्रोम का यहाँ से आता है। हाँ, ये पूरा क्रोम के थ्रू आता है। और ये आपका भाई स्पॉइलर हो गया, और अंदर लगी CNG ट्रे। अभी गाड़ी दोनों पास पास है तो दिखा नहीं सकते, बाकी आपको कैमरा दिखा देता हूँ, ये कैमरा भाई, और ये आपका भाई बम्पर प्रोटेक्टर, और ये रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर भी काफ़ी मस्त लग रहे हैं भाई, लुक ही अलग लगा रही है ना। और इनमें कोई वायर कटिंग वगैरह नहीं होती, मैं आपको पहले भी वीडियोस में दिखा चुका हूँ, कपलर ही वर्क होता है। तो भाई बाहर से तो ऐसा था यही काम किया गया, नीट एंड क्लीन। अब गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या काम किया गया। वैसे गाड़ी के इंटीरियर में आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था, जिसमें ये देखो फ्लोरिंग ब्लैक और गोल्डन के कॉम्बिनेशन में है भाई। ये फ्लोरिंग मतलब रिलायबिलिटी कैसी होती है इनकी फ्लोरिंग भैया? 5-7 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कि ज़्यादा इसके अंदर इसके पानी वानी है, एक तो वाटरप्रूफ होती है ये। ओके, कोई भी लिक्विड वगैरह आप इसके अंदर डालते हैं तो यूँ कहीं कपड़े से पो सकते हैं बेनिफिट्स का ही है। और ये आपके मैट हो गए GFX वाले, और ये GFX के ये मैट ऐसे हैं कि जब तक गाड़ी रहेगी तब मैट रहेंगे, गारंटी है, गारंटी है। ओके तो भाई ऐसा कुछ रिस्पॉन्स है, यहाँ पे आपको दिखाओ सीट कवर दे सकते हो, ये देख रहा भाई ऐसा कुछ रिस्पॉन्स है सीट्स कवर का, बाकी ये तो पर्सनल डिजाइन है, बाकी परफेक्शन के साथ काम हुआ है, परफेक्शन के साथ। ये देखो भाई पूरा कोई भी एक भी रिंकल दिखा दो पूरी वीडियो में, एक भी रिंकल नहीं दिखेगा आपको कहीं पर भी। तो ठीक है भाई, और ये आपका वुडन आर्मरेस्ट है, चीप एंड बेस्ट, खोलो इसको एक बार, ऐसा कुछ इसमें ग्लास भी कप होल्डर भी रख सकते हो आप इसके अंदर। और भाई ये आपका ना इसमें 4 स्पीकर लगाए गए हैं, और ये आपकी फ्लिप की है, कुछ इस तरीके की फ्लिप की है भाई, और ऐसा कुछ रिस्पॉन्स है। जब भी आए तो अपने दोनों चाबियां साथ में लेके आए तो कम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और भाई गाड़ी को ऑन करेंगे ना जैसे ही, वैसे आपको जो एंड्रॉयड ऑन होएगा ना वो है निपोन का एंड्रॉयड 9 प्रो। देखो भाई निपोन आपको लिखा हुआ मिलता है। और भाई वारंटी वाला क्या होता है इसका सीन? इसके 1 साल की वारंटी होती है, 1 साल की वारंटी है एंड्रॉयड की। प्रो बालाजी महाराज है भाई, इनकी कृपा के बिना कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक। 123 किलोमीटर झज्जर सीधा गाड़ी यही है, झज्जर से सीधा गाड़ी यही पे हरियाणा। और ऐसा कुछ काम चल रहा है भाई यहाँ पे, और भी दे दिया स्टीयरिंग रैप हुआ इसका, ये देख लो भाई स्टीयरिंग की स्ट्रेचिंग वगैरह देख लो, ऐसी कुछ की गई है। बाकी आपको अभी गाड़ी पीछे ना लगी हुई है, नहीं तो मैं आपको पार्सल ट्रिप दिखाता, बाकी हम दिखा चुके हैं पहली बहुत सारी वीडियोस में, आप उसमें आइडिया ले सकते हो। और इसमें यहाँ पे आपको 2 पोर्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे USB के। तो भाई अब चलते हैं एंड्रॉइड की तरफ, एंड्रॉइड का कुछ ऐसा कुछ टच वगैरह है,
काफी अच्छा, काफी स्मूथ है भाई। निपोन का है तो लोग विश्वास भी करते हैं उस पर, और ऐसा कुछ है भाई, काफी स्मूथ है मेरे हिसाब से भाई, रिकमेंडेड, अपनी गाड़ी में लगवा सकते हो आप ऐसा कुछ। भैया सारा काम जेन्युइन करते हैं, और जेन्युइन काम कर रहे हैं तो लोग दूर दूर से आ रहे हैं, अपना विश्वास दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे कि दिन में 3-4 वैगनार डेली हम कर रहे हैं, उसका कारण यही है कि काम अच्छा कर रहे हैं, वरना दुनिया भर की मार्केट है, दुनिया भर की दुकानें हैं, लोग बाग कहीं भी जा सकते हैं। एक विश्वास बनाना ना लोगों के बीच में सबसे बहुत टाइम लग जाता है भैया, मेहनत करी है विश्वास बनाने के लिए, बहुत मेहनत करी है, और उसी कारण जो रिव्यूज हम आते हैं कस्टमर देखते हैं कि भैया सिर्फ आपकी वीडियो देख के हम आपके पास आए हैं, वरना दुनिया भर की वीडियो बनती है, दुनिया भर की दुकानें हैं, स्पेशली आते ही लोगों का हमारे से फोन पे भी यही रिव्यू रहता है कि भैया आपका काम पसंद आया हमें, इसलिए आपके पास आए हैं, और वही ट्रस्ट हम डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। और भाई कोई भी क्वालिटी सर, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भैया, जहाँ कॉम्प्रोमाइज करेंगे वहाँ कस्टमर खराब हो जाएगा, रिव्यू खराब हो जाएगा हमारा। तो चलो ठीक है भाई, वेल डन, बहुत अच्छा आपने बता दिया अपने बारे में। अब एक बार एंसर से गाना सुनाते हैं आपको, चारों स्पीकर JBL कंपोनेंट, JBL के स्पीकर्स की आवाज सुनाते हैं, उसके बाद कस्टमर रिव्यू कितना है खर्चा है कस्टमर सामने बताएंगे भाई। ऐसा नहीं है कि कस्टमर अभी बैठा है, हमने बजट बता दिया और 50,000 का, 30,000 का बजट बता दिया, जो है सामने है। बिल्कुल ठीक भैया। तो चलिए आप एंसर से गाना सुनो, एंजॉय करो, पंजाबी गाना सुनो, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, एंजॉय करो एंसर से सॉन्ग। तो भाई ऐसा कुछ आउटपुट आप चलते हैं शॉप पे, कस्टमर रिव्यू कितना क्या खर्चा है सब कुछ आप सर शेयर करते हैं। यार देखो काम कंप्लीट हो गया, मैं पहले सोच रहा था शॉप पे जाके बात करूँ, मुझे लगता है गाड़ी के अंदर ही कस्टमर को बिठा के वहीं बात करते हैं भाई, एग्जैक्टली कितना खर्चा है, क्या बजट वगैरह है, सब कुछ शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। तो यहाँ पे मेरे साथ सौरभ है और पीछे बैठा भैया जो कि गाड़ी के ओनर है। सबसे भैया, सबसे पहले भैया कैसे हो आप? हेलो नमस्कार भैया, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया है। और यहाँ पे कैसे पहुँचे आप पहले तो ये बताओ। मैंने YouTube पे भैया का रिव्यू देखा था। अच्छा, तो उसी से मुझे एक्सेसरी लगानी थी गाड़ी के अंदर, तो YouTube पे मैंने देखा और मैं उसी के उस पर यहाँ एक्सेसरी के लिए आया। तो काम वगैरह कैसा लगा? काम बढ़िया है, सेटिस्फाइड हो फुली? बिल्कुल। गाड़ी कब ली थी आपने? गाड़ी कल ही लेके आया हूँ। अच्छा, कल ही ली है, आज आपने 123 किलोमीटर चली, मैंने देखा था वो। हाँ, कल हम गुड़गांव से लेके आए। अच्छा, और फिर घर गए और फिर घर से यहाँ आया ना, तो 123 किलोमीटर चलेगी। सोनीपत झज्जर से आए होते? झज्जर से आए हैं। और भाई कितना क्या एस्टिमेट आ गया काम में, कितना क्या बजट आ गया इसमें? मान के चलो भैया 60,000 रुपए का एस्टिमेट आया गाड़ी में। 60,000 का? ओके, तो आप फुली सेटिस्फाइड हो? हाँ, बिल्कुल। काम बढ़िया कर रखा है, काम नो डाउट, मतलब कोई कंप्लेंट वगैरह? ना, काम सही दिख रहा है, बढ़िया काम। गाड़ी को ऐसा बना के भेज रहे हैं कि सालों साल तक याद करेंगे। बिल्कुल। और जो ग्रिल लगी है सबसे बेस्ट तो मेरे को वही लगी है, जी क्या ग्रिल है ना। बिल्कुल। तो थैंक यू भैया यहाँ पे आने के लिए, विश्वास दिखाने के लिए। थैंक यू। और कुछ दिक्कत परेशानी तो आप इनको परेशान कर सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है? राइट। ओके okay. तो भाइयों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो किसी भी गाड़ी को मॉडिफाई कराने के लिए। अभी इतना ही, जय हिंद जय भारत, आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में बहुत ही जल्द।